अगर सीता अहिल्या की सखी होती तो कितना अच्छा होता, मगर दोस्तों ऐसा है नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो सीन हमने देखा दोस्तों, जिस सीन में सीता और अहिल्या मिलके खेल रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, वो सीन देख के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जो भी इंसान, दर्शक, जो भी व्यूअर है, अगर वो इस एपिसोड से देखना शुरू करता है अहिल्या बाई होलकर पुण्य श्लोक अहिल्या बाई का सीरियल, तो उसको यही लगेगा कि ये बहुत प्यारी सखियां हैं, इनकी जोड़ी ननद और भाभी की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यार है इनके बीच में। तो ये हमें देखने को मिला, मगर इस प्यार को नजर लगती ही रहती है। ये प्यार थोड़ा सा होता है और बहुत सारा नेगेटिव इंप्रेशन इनके ऊपर आता है, खास करके सीता बाई के ऊपर। अहिल्या तो खैर अपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी रही है, मगर सीता के ऊपर। तो ये जो मगर है, इसके बारे में बात करनी है कि अगर दोस्त होती तो कितना अच्छा होता, मगर नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं, तो वही गुजारिश करूंगी आपसे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सीता बाई और अहिल्या दोनों बहुत ही मस्ती से नाच रही हैं। सीता बाई को यह भी कोई गम नहीं है कि अहिल्या लेट हो गई है, वो जैसे ही अहिल्या आती है वैसे ही वो इतना उस मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। वो कहती है आओ हम फटाफट से खेल शुरू करते हैं। इससे पता चलता है कि उसके अंदर कितना भोलापन है, कितना बचपन है सीता के अंदर। मगर इस बचपन को बचपन नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि द्वारका नहीं चाहती कि सीता ऐसे करे। द्वारका चाहती कि वो अहिल्या से भी आगे बढ़ के काम करे, वो रानी बने। और इसीलिए वो जब ये देखती है उसको गुस्सा भी आता है, मगर द्वारका की चलती कुछ नहीं है। हमने देखा कि सीता जो है कैसे अहिल्या के साथ एक खेल में कंपीट करती है और फिर जीतती है, मगर खुश होती है। उस खुशी में ये अहंकार नहीं है कि मैं जीत गई, उस खुशी में ये दिख रहा है कि वो अहिल्या के मुंह से वो सुनना चाहती है खंडेराव के बारे में जो बोलेगी वो। फिर सबके सामने सीता ये भी शेयर करती है कि ये खंडेराव से बातें करती है, मैंने देखा है, ख्यालों में बातें करती है, डायलॉग शेयर करती है। तो ये सब चीजें सीता कहती है, तो जो भी औरतें वहां पे खड़ी थी, जो भी थी, उनको यही दिखेगा कि ये कितनी अच्छी जोड़ी है ननद और भाभी की, जिनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। सीता जो ननद है वो भाभी की तरफ जाती है, उनको देखती है, उनका जो एहसास है खंडेराव के लिए वो उसको महसूस करती है। तो ये अच्छी सखियों की बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमने देखी है इस एपिसोड में। अगर ये सच में होता, अगर द्वारका जो है इस तरह से सीता को ना भड़काती, तो जरूर अहिल्या और सीता दोनों बहुत अच्छी सखियां होती। आप क्या कहते हो, आपको जोड़ी अच्छी लगी कि नहीं लगी, और क्या आप भी चाहते हो मेरी तरह की इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.